तो दोस्तों आप देख सकते हैं इस समय हम गोवा में हैं फ्रेंड्स। अभी सुबह ब्रेकफास्ट करने निकले थे फ्रेंड्स। तो यहाँ पर जो फिश ज़्यादा चलती है और हम प्योर वेजिटेरियन हैं फ्रेंड्स, हम नॉन वेज नहीं खाते हैं। तो यहाँ पर एक होटल है जहाँ पर प्योर वेजिटेरियन मिलता है और वहाँ हमने अपना, ये देखिए होटल कामत, यहाँ पर अभी हमने अपना नाश्ता, और यहाँ प्योर वेजिटेरियन है और यहाँ इस तरह का कल्चर है। ये देखिए जैसे हमारे शिमला में है वैसी लोकल बस है GA10। ये है होटल कामत, यहाँ पर हमने अभी अच्छा ब्रेकफास्ट करना है। यहाँ तो ये यहाँ अच्छा फूड है, अभी यहाँ हमने ब्रेकफास्ट किया। ये कुछ एक यहाँ के रेट्स रहते हैं फ्रेंड्स, देख सकते हो आप, हमारे लोकल शिमला के ही रेट हैं, ऑलमोस्ट इतना महंगा भी नहीं है। तो ये अच्छा रहता है यहाँ पर दोस्तों। यहाँ से हम नाश्ता करके निकले हैं अब, और यहाँ पर ऑटो मिल जाता है, बाइक हायर कर लेता। तो फ्रेंड्स ये ऑटो, यहाँ पर ऑटो आसानी से मिल जाते हैं। ये देखिए यहाँ गोवा 08 और हम भी ऑटो में बैठ रहे हैं अब, यहाँ से नाश्ता करके निकले हैं होटल कामत से और मनोहर पर्रिकर स्टेडियम जा रहे हैं फ्रेंड्स। मनोहर पर्रिकर स्टेडियम में हमारा इवेंट है फ्रेंड्स, आज मेरा स्विमिंग का इवेंट है, और चलते हैं देखते हैं वहाँ पर। मड़गोवा है, और मड़गोवा बोलते हैं यहाँ पर। ये देखिए आज यहाँ पर विंटर कार्निवल है, और आज हम यहाँ पर आपको शाम को मैं दिखाऊंगा भी फ्रेंड्स यहाँ पे। तो ट्रैफिक यहाँ भी ठीक ठाक ही रहता है दोस्तों, ट्रैफिक आप इंडिया में कहीं भी चले जाएं ट्रैफिक तो ऐसा ही रहता है। इतनी दूर गोवा कोई गाड़ी नहीं आता है, मैंने अभी तक गोवा की बाइक
का 200 रुपीज़ चार्ज किया है यहाँ।